नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के। जी हां दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि यूपीएससी एसएसबी का नया फॉर्म जो है आ गया। जी हां दोस्तों, टीजीटी पीजीटी दोनों का जो है फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हो गया और साथ ही साथ जो है फॉर्म भरना भी चालू हो गया। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट कैसे करना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है और साथ ही साथ फ़ोटो में क्या क्राइटेरिया मांगा है और नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपको ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये फॉर्म मिलेगा नंबर वन वेबसाइट rozgarresult.com पे। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्टेबल जेन्युइन और सबसे सही वेबसाइट जिसमें कि सारी सब कुछ सही जानकारी है। आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी का फॉर्म है, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पर। दोस्तों वहाँ दूसरी वेबसाइट है sarkarirezult.com। जी हाँ दोस्तों, 2012 से लेकर अब तक सबसे भरोसेमंद सबसे ट्रस्टेबल वेबसाइट sarkarirezult.com। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी सरकारी रिजल्ट खोलना है लास्ट में .com जरूर लगाना है, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं TGT की, तो सबसे पहले हम TGT पे क्लिक कर देते हैं। आपको बता दें इसमें 12,913 पद है, उसकी लास्ट डेट 27 तारीख है और फॉर्म को कंप्लीट करने की लास्ट डेट 30 तारीख है। जनरल OBC की फीस 750 है, SC और EWS की 450, ST की 250 रुपये है। तो देख सकते हैं अलग अलग दिया हुआ है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग अलग अलग है। अगर आपको इसमें सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स देखनी है तो देख सकते हैं दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स, आप उस पर सिंगल क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल ये अलग अलग दिया हुआ है, अब हम और समय ना वेस्ट करते हैं, सीधा चलते हैं फॉर्म को अप्लाई करने पे। हम सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई TGT PGT, इस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे TGT और PGT दोनों का ही ऑप्शन खुल गया, लेकिन अभी हम TGT का भर के दिखा रहे हैं। उसके बाद जब अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको PGT का करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम TGT पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, तो दोस्तों आपको बता देते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप मान लीजिए TGT कॉमर्स का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, TGT कॉमर्स के आगे रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी दी हुई है, इस पर देखिए व्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे रही है और साथ ही साथ आपका जो फीस का डिटेल्स भी जो है शो कर रहा है। तो दोस्तों हम सीधा जो है फॉर्म पर क्लिक करते हैं यानी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाई स्टेप कैसे करना है। तो यहाँ पे एक आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आपको उसको ग्रीन कर लेना है और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप इस फॉर्म को मोबाइल पे ही भर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको लैपटॉप वगैरह भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, आपको मदर नेम डालना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, मैरिड है कि अनमैरिड है वो डालना है, आपको अपना सिटीजनशिप डालना है, आपको अपना डोमिसाइल डालना है। यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि आप फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, हैंडीकैप है, अगर हैंडीकैप है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं कि नहीं। अगला ऑप्शन दोस्तों पूछा आपकी कैटेगरी का, यानी कैटेगरी आपकी जनरल OBC SC ST क्या है वो डाल देना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है आपका पास EWS तो नहीं है, EWS अगर है तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है लगाने रहेंगे। उसके यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, नेक्स्ट पे आपको अपना पता डालना है। पता मैं अपना डाल देता हूँ, केयर ऑफ में डाल देता हूँ, या आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, आपको अपना तहसील डाल देना है, जो आपका ब्लॉक हो वो डाल देना है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, पुलिस स्टेशन डाल देना है, विलेज का नाम डाल देना है, अगर आपका पता गांव का है तो आप इसमें गांव में विलेज का नाम डाल सकते हैं, पिन कोड डाल देना है। दोस्तों हम जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपना देना है हाई स्कूल का, यानी कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है उसका बोर्ड का नाम देना है, हाई स्कूल आपने कब पास किया, हाई स्कूल का रोल नंबर आपका क्या है, हाई स्कूल का जो आपका मार्क्स था परसेंटेज था जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, मैं मार्क्स दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको कितना नंबर मिला है वो दे देना है, यहाँ पे आपको कितने में से मिला है वो दे देना है। देख सकते हैं बिल्कुल इसको स्टेप बाई स्टेप आपको करते जाना है। यहाँ पर आपको अपनी डिविज़न सिलेक्ट कर देनी है, सेम वही प्रोसेस आपको अपनाना है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम दे देना है, मान लीजिए आपको बोर्ड या कॉलेज का नाम नहीं दिखता है तो आप अदर का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं।
सेम वही प्रोसेस से मैंने जो है यहाँ पे देखिए इंटर का डिटेल डाल दिया। हो सकता हो साइट जो है आप जब आप फॉर्म भरे हो तो थोड़ा बिजी चल सकती है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो को बना रहा हूँ तब भी ये वेबसाइट थोड़ा स्लो ही चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रही है। इसलिए आपको लास्ट डेट को तो वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पूछ रहा है आपका देखिए क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसमें दो चीज़ मांगा है। पहला मांगा है कि आपके पास बीकॉम की डिग्री है कि नहीं, क्योंकि मैंने कॉमर्स के लिए किया था। अगला पूछ रहा है आपका बीएड का, तो बीएड में आपके पास इक्विवेलेंट भी है, जैसे आप एलटी जो है देना चाहते हो तो एलटी दे सकते हैं, अगर आपके पास बीएड है तो बीएड दे सकते हैं, यानी एलटी डिप्लोमा वाले भी जो है आप इसको दे सकते हैं अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डाल देना है, इसके बाद आपको जो है कि आपने कहाँ से किया है, तो मैंने उत्तर प्रदेश से किया है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो राज्य है यानी जहाँ से हमने पढ़ाई की है बीकॉम की, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी के नाम दिए हुए, अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। मान लीजिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पर अदर ऑप्शन करके आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आपने उसको कब पास किया है, तो मैंने यूनिवर्सिटी 2015 में पास किया था। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट या रोल नंबर दोनों में से कोई एक चीज़ जो है लिख देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखना है कि इशू यानी कि किस तारीख को जारी हुआ, ये चीज़ आपकी मार्कशीट पे आपके प्रिंटेड होगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से डाल देना है, यहाँ पे आपको मार्क्स है, ग्रेड है, परसेंटेज है, पॉइंट है, जो भी है उसको आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको कितना नंबर मिला है वो डाल देना है, यहाँ पे आपका टोटल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएगी, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। यहाँ पे बता दूँ आपको जो ग्रैंड टोटल मार्क्स हो आपका यानी फाइनल ईयर का, उसी का आपको डिटेल जो है डालना है। उसके बाद हम यहाँ बीएड का भर देते हैं, बीएड भी मैंने उत्तर प्रदेश से किया तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर देता हूँ, अगर आपने कहीं और से किया हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि आपने बीएड जो है कहाँ से किया है, तो मैं यूनिवर्सिटी का अपने नाम देख लेता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम उपलब्ध है कि नहीं, तो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम उपलब्ध था तो मैंने डाल दिया, अगर नहीं उपलब्ध है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जो है अदर करके डाल सकते हैं। सेम वही प्रोसेस अपनाना है आपको, रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको जो है अपना ये देखिए हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स डाल देना है। बी एड में आपको थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल जो है ऐड करके डाल सकते हैं आप, उसको देख सकते हैं मैंने इसमें टोटल जो मार्क्स है उसको जो है डाल दिया है। और उसके बाद देख सकते हैं जैसे आप इसको करेंगे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक जो है निकल जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या आप इस समय उत्तर प्रदेश में किसी एडेड कॉलेज या नॉन एडेड कॉलेज में टीचर है, अगर इस समय है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको जो डिटेल्स है वो देनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं मैंने अपनी सारी डिटेल जो है भर दी है, यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ, अब वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने वैलिडेट पर क्लिक किया आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म हमारे सामने दोबारा खुल के आ चुका है, हम पूरा डिटेल अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है, यहाँ दोस्तों उसको डबल चेक कीजिएगा, बाद में फिर आप लोग कोर्ट जाते हो कहते हैं कि सर गलत हो गया मैसेज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा चांस है कि पूरा फॉर्म अच्छी तरह चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत हो यहाँ पर एडिट कर लीजिए, अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पर जैसे ही आप टिक करेंगे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने अपना सब कुछ चेक कर लिया है, मेरा सब कुछ सही है, मैं सबमिट करता हूँ और आगे चलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही मैंने हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट आ चुका है। आपको बता दें इसका आप प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये सब चीज़ जो का जो है आपको प्रिंट आउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा। अब हम नीचे चलते हैं इसमें और पेमेंट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे आपकी फ़ीस जो आपकी करंट फ़ीस होगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से उसकी यहाँ फ़ीस आएगी, और यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का एक बटन आ रहा है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। दोस्तों बता दें अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हो तो इस पेज को ज़रूर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में प्रिंट आउट में निकलने में दिक्कत होती है, वरना आप किसी साइबर कैफ़े वगैरह में से भी इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भरवा सकते हैं। डिटेल्स आपने देख ली है, अभी हम इसका पेमेंट करते हैं, पेमेंट के बाद भी आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें जो है मांग रहा है, पेमेंट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़े देख सकते हैं हमारी जो नया पेज विंडोज़ जो है ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम जो है दे रहा है, आपकी फ़ीस दे रहा है, और यहाँ पे एक देखिए टिक आ रहा है, यहाँ पे आपको टिक करना है और दोबारा इस वाले बटन पे जो ग्रीन बटन दिख रहा है प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट उस पर आपको आगे बढ़ाना है।
दोस्तों जैसे हम आगे बढ़े देख सकते हैं फीस पेमेंट ऑप्शन हमारा खुल चुका है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन है। आपको बता देते हैं कौन कौन सी फीस पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट अगर आपको करना है तो क्या करना है। देखिए सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो आपका स्टेट बैंक नेट बैंकिंग है, दूसरा अदर बैंक नेट बैंकिंग है, तीसरा आपका डेबिट कार्ड है, किसी भी डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, चौथा आपको UPI है, और पाँचवा ऑप्शन जो दिख रहा है दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है आपका बैंक चालान का, यानी अगर आपको इसका पेमेंट ऑफलाइन करना है किसी भी स्टेट बैंक की शाखा में तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन उस कंडीशन में आपका 59 रुपीज़ यानी कि 59 रुपये ज़्यादा लगेगा, और उसके बाद आपका फॉर्म भी तुरंत कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप इस फॉर्म को तुरंत कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं इसका पेमेंट अपने नेट बैंकिंग से करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक क्लिक कर दिया है। अपना ID पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। मैं लॉग पेमेंट करने के बाद आपको आगे फिर दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए पेमेंट हमारा होते मानी देखने लगा है आपको, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा फीस पेमेंट जो है डन हो चुका है। आप उसमें समय वो भी देख सकते हैं आ रहा है, और बता दूं दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी बता दूं यहाँ पे फॉर्म आपका कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी फॉर्म ये बचा हुआ है, यानी कि अभी स्टेप जो है इसका बचा हुआ है आगे, तो इसका हम इसका प्रिंटआउट ले लेते हैं और आगे चलते हैं। इसका प्रिंटआउट लेना हमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का कॉलम जो है ओपन हो चुका है। आपको बता दें जो फोटो आपको लगानी है वो वाइट या लाइट बैकग्राउंड में लगाइएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया है। मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूँ फोटो का रूल्स। दोस्तों ये देख सकते हैं ये फोटो का रूल्स है, ये आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पे जाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा, जिसमें दिया हुआ है साफ साफ फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए, यानी कि वाइट हो या तो फिर ग्रे हो। अगर ऐसा कुछ रहेगा तभी आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो कलर वाली फ़ोटो बिल्कुल मत लगा दीजिएगा, अत्यधिक चमक वाली या ऐसी कोई फ़ोटो मत लगा दीजिएगा जिसमें एक ब्लर्ड फोटो हो, इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो हमने पूरा पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं फ़ोटो लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने फ़ोटो लगा दी है, आपको दिखा दे फोटो, देख सकते हैं बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, यानी कि वाइट हो या तो फिर आपका ग्रे बैकग्राउंड हो। किसी और भी बैकग्राउंड में अगर आप लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फोटो पे बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल गाइडलाइन दी हुई है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फोटो की गाइडलाइन दी है, तो बिल्कुल ही केयरफुली लगाना है, बिल्कुल भी आपको वैसे नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो देख सकते हैं मैंने लगा दिया है, अब हम अपलोड फोटो करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली। आपको बता दें फोटो जो है 35 KB से कम होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका 15 KB से कम होना चाहिए। वाइट पेपर में कीजिएगा, ब्लैक पेन से कर सकते हैं, बाकी पेन की चॉइस आपकी है, रेड पेन वगैरह यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन फोटो में फिर मैं बता दूँ वाइट या तो ग्रे बैकग्राउंड ही होना चाहिए। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं फाइनल सबमिट करके प्रिंट कैसे आता है। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं हमारा जो ये फॉर्म है पूरा दोबारा खुल के आ चुका है, यानी कि अभी हमारा फॉर्म ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फ़ोटो लगाने के बाद भी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, तो हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। इसमें आपको नीचे जाना है। दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन पूछा है, जिसमें प्रिफ्रेंशियल जो है क्वालिफिकेशन है, इसमें पूछ रहा है क्या आपके पास MET की उपाधि है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद पूछा दूसरा तो क्या आपके पास DPhil या PhD की उपाधि है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद तीसरा पूछा है क्या आपके पास BEd की उपाधि है, LT की उपाधि है, यानी आपके पास जो है BEd या कुछ है, तो ऐसा मेरे पास है, मेरे पास BEd है, मैंने यस कर दिया है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल हम लास्ट ऑप्शन पे आ चुके हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बालक वर्ग में पढ़ाना चाहते हैं कि बालिका वर्ग में, कॉलेज में, संस्थान में, तो बिल्कुल हम बालक वर्ग में करेंगे। बालक वर्ग करने के बाद देख सकते हैं दोबारा यहाँ कंफर्मेशन कर रहा है, हमने दोबारा कर दिया कंफर्मेशन, और देख सकते हैं यहाँ पे चयन हो चुका है। अगर आपको बालिका वर्ग करना है तो बालिका वर्ग कर सकते हैं, लेकिन बालिका वर्ग में सीट कम है, लेकिन अगर आप महिला अभ्यर्थी है तो आप बिल्कुल ही जो है बालिका वर्ग में कर सकते हैं। गर्ल्स कैटेगरी, बॉयज़ कैटेगरी अलग अलग दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ सब कुछ जो है सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर यस करते हैं और प्रीव्यू फॉर्म पर दोबारा क्लिक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अब हम बिल्कुल ही जो है अपने फाइनल स्टेप पर आ चुके हैं, यानी कि हमने सारी चीज़ें जो है भर दी है, और उसके बाद हम फाइनल सबमिट करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये देखिए जैसे ही हमने इसको सबमिट किया हमारा ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ दोस्तों बहुत ही थोड़ा सा लेंथी फॉर्म बनाया जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने हाल में ही UPPCS का फॉर्म भरते होंगे, UP SSSC का फॉर्म भरते होंगे, उसी प्रकार का फॉर्म है। अगर इसके पास भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप यहाँ पे ईमेल ID दिए कर सकते हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, यानी कुछ टेक्निकल आपको चीज़ें बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आपको पहले इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ।
तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, हमारा फॉर्म जो है डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं फॉर्म में सारी चीज़ें जो शो कर रही है, इसका प्रिंटआउट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में इस प्रिंटआउट को लगता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके पास प्रिंटआउट हम बाद में ले लेंगे। अगर आप बाद में ज़रूर ले रहे हो तो आप इसका जो है एक काम कर लीजिएगा कि आप जो इसको जो है PDF बना के अपने मोबाइल या ईमेल पे जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक्निकल की, यानी कि हम वापस चलते हैं अपनी इस वेबसाइट के होम पेज पे। दोस्तों देख सकते हैं वापस हम अपने होम पेज पे आ गए, यानी sarkarresult.com पे आ चुके हैं। हम वापस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और आपको कुछ टेक्निकल बातें बता देते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट आप बाद में करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर दिया, थर्ड स्टेप बचा तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया और आपका पेमेंट किसी वजह से पेमेंट आपके खाते से कट गया और फॉर्म में अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यानी कि अपडेट ट्रांजैक्शन डिटेल। अगर आपने प्रिंटआउट नहीं लिया और लास्ट डेट से पहले प्रिंटआउट लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करके अपना रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट और फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं, और किसी भी प्रकार का फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और PGT की वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।